हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग मैं आप सभी लोगों के लिए करने वाली हूँ, टॉपिक है जानेंगे आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आने वाले टाइम में आपकी कौन सी विश है जो पूरी हो जाएगी, और अगर थोड़े बहुत भी रुकावटें आ रही हैं तो उन रुकावटों को आप कैसे दूर कर सकते हैं ये भी जानेंगे। ठीक है, अगर रुकावटें आ रही हैं तो ठीक है। तो विद इन 3 to 4 days में आपकी कौन सी विश पूरी हो सकती है, बहुत लंबा टाइम लेकर नहीं चलेंगे, इन आने वाले 3 से 4 दिन में। विश चाहे छोटी सी हो, बड़ी हो, ठीक है, विश विश होती है। आपका कोई छोटा सा भी काम पूरा हो रहा है तो ठीक है, इसको आप बहुत बड़ी अचीवमेंट माना करें, अपने आप को ब्लेसिंग्स दिया करें। अगर आज के दिन आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपने फेस करी है, या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों से मुलाकात अगर हुई है आपकी, तो प्लीज़ अपने आप को ब्लेम ना करें इसके लिए, क्योंकि आई नो कि आपको काफ़ी नेगेटिविटी फील हो रही होगी, क्योंकि ऐसे लोगों से मिलकर, उनसे बात कर कर सिर्फ नेगेटिविटी ही आती है। सो प्लीज़ बी रिलैक्स्ड, अपने आप को ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दो, ठीक है, अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। क्योंकि ना गाइस, लोग उन्हें ही तंग करते हैं जो जिनमें कुछ बात होती है, ठीक है, जो एक बढ़ता हुआ सितारा हैं, जो बहुत आगे जाकर सक्सेस पाने वाले हैं, उन्हीं को ज़्यादा तंग करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप सक्सेस के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं ना, तो ये रास्ता इतना आसान नहीं होता, इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। आपको बहुत लोग परेशान भी करेंगे, बहुत चार बातें भी सुनाएंगे आपको, यू नो, डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। सो कभी भी इन लोगों की वजह से अपना मूड अपसेट नहीं करना है, खुश रहना है, अपने आप को ब्लेसिंग्स देनी है, ठीक है। बीच बीच में टेक्निक्स बताती रहूँगी मैं आपको, जिससे कि आपको पॉजिटिविटी फील हो। पहली टेक्निक ये जो मैं अभी जो बता रही हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो वाई, बट मुझे फील हो रहा है कि आप लोग थोड़ा सा अपसेट हैं, ठीक है। हो सकता है, देखो हो रहे हो, क्योंकि कल ही पोर्टल भी ओपन हुआ है ना, अभी ये 777 वाला पोर्टल। तो जब कुछ नई हम शुरुआत करते हैं तो चैलेंजेस भी लेकर आते हैं ये चीज़ें, ठीक है, लेकिन ये आप जल्दी जल्दी ठीक कर लेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक टिप दे रही हूँ, पानी जब भी पिए तो एक एफर्मेशंस बोलकर, एक एफर्मेशन बोलनी है कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरे साथ भगवान का साथ है, मैं ऐसे बोल देना, मुझ में बहुत सारा कॉन्फिडेंस है और मैं एक शक्तिशाली हूँ, ठीक है, मैं एक शक्तिशाली सोल हूँ, ऐसे बोलना। और मेरे चारों तरफ कोई नेगेटिविटी नहीं है, परमात्मा का सुरक्षित कवच मेरे चारों ओर है, ठीक है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स के लिए, डिवाइन के लिए, कि वो मेरे को साथ दे रहे हैं मेरा, और हर वक्त अपना आशीर्वाद मेरे लिए भेज रहे हैं, ठीक है। इतना बोल के आप वो पानी पिए, ये पानी वाली टेक्निक आप करते रहें, इससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। और जब आप कोई पॉजिटिव चीज़ जब आप बार 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 बोलते हैं ना, तो पॉजिटिविटी आती है। जैसे हम कोई नेगेटिव बात बार 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 सुन रहे हैं तो हमें नेगेटिव आती है, तो आप बिलीव करो कि पॉजिटिव बातें बार 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 बोलोगे तो पॉजिटिविटी भी आएगी। और आपको इस दुनिया में कोई पॉजिटिव नहीं बोलने वाला, आपको कोई पॉजिटिविटी सेंड नहीं करेगा, आपको दुनिया में ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको शायद से अप्रिशिएट ना करें, ठीक है। तो ऐसे में कौन करेगा फिर? हम खुद, सबसे पहले तो हम खुद अपने आप को करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम हमारे लिए बहुत सही हैं, हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, ना किसी का कुछ बिगाड़ा है। तो हम सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट करेंगे, जो हमें नहीं समझ पा रहा है उनको भी हम माफ़ करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी हमें भगवान अप्रिशिएट करते हैं, इस बात के लिए हम प्राउड फील करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी है। आई होप कि ये बातें आपको पीस देगी, आप रिलैक्स हो जाएंगे अगर आपका मूड ऑफ है तो। ये बातें मुझे कहनी थी, आई डोंट नो वाई, बट यस, मैं फील कर पा रही हूँ कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है आपके साथ, कुछ तो ऐसा हो रहा है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करो, आपको अच्छा लगेगा, ओके। अब हम जानते हैं कि कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है, और 2-3 दिन के अंदर या 3-4 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, क्या चेंजेस आपकी विशेज पूरी हो जाएगी। लेट्स सी, फसाद, क्रिएशन, रिजेक्शन, डेस्टिनी, कंप्लीशन,
एंड ग्रोथ, रिलीज एंड देन एक्सपेंशन एंड देन अबंडेंस. ओके, ये कार्ड्स हमारे लिए इनफ हैं. आपकी सिचुएशन भी आ गई यहाँ पर, जो मैं फील कर पा रही हूँ ना, सेम थिंग आई कैन सी हियर. लाइक यू हैव टू रिलीज समथिंग फ्रॉम इन योर माइंड, इन योर सोल. ठीक है, आपको कुछ चीज़ें रिलीज करने की ज़रूरत है. थोड़ा हैवी फील हो रहा है, जैसे कि ये इमेज यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही है, आपको थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है, थोड़े अपसेट दिख रहे हो, थोड़े परेशान दिख रहे हो और रोना चाहते हो. रो लो आप, थोड़ा थोड़े टाइम के लिए रो. ठीक है, डिवाइन से बात करो, अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा आपको. ठीक है, और ये सोचो जो भी हो रहा है मेरे डिवाइन के विल पावर के अंडर हो रहा है. ठीक है, आज की मेरी ये सारी हार्डशिप जो मैं आज फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मेरे ही सोल एक्सपेंशन के लिए हो रहा है. ठीक है, मेरे ही सोल एक्सपेंशन के लिए हो रहा है. डिवाइन ही मेरे को ये मुसीबतें भी दे रहे हैं, रिसोर्सेज भी दे रहे हैं और एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बस इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके कंक्लूजन निकाल कर आगे बढ़ना है. ठीक है, हैवी फील हो रहा है, क्लियर दिख रहा है इस इमेज से, सो इट्स ओके. होता है कभी कभी लाइफ में, हम मिल जाते हैं कुछ लोगों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ रिजेक्शन आपके हाथ लगा है, या किसी ने आपकी कोई आज बात नहीं मानी है. ठीक है, इस चीज़ को लेकर आप बहुत अपसेट हुए हैं, कहीं ना कहीं से कोई रिजेक्शन मिला है. ठीक है, तो ये रिजेक्शन मिला, आप इसको एक्सेप्ट कर लो. एक्सेप्ट कर लो, पता है क्यों? क्योंकि ये रिजेक्शन आपको आगे बहुत ग्रोथ देने वाला है. आपका हो सकता है ये जो आज रिजेक्शन आपको मिला है, ये एक ब्लेसिंग है. ठीक है, अब ये चाहे आपके कॉलेज से मिला है, या फिर आपके यूनिवर्सिटी से मिला है, या किसी इंस्टीट्यूट से मिला, या किसी ने आपकी कोई स्टेटमेंट पर एग्रीमेंट नहीं दिया है, कुछ भी हो सकता है. तो ये अच्छा है, अच्छा है, इट इज़ गुड फॉर यू बिकॉज फॉर योर ग्रोथ. ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा है. तो अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये डिसीजन कैसा है, ये रिजेक्शन मुझे क्यों मिला, या किसी ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, और आप बहुत ज्यादा सैड हो गए, रोने लग गए, परेशान हो गए. बट ये तो मुझे इसके, देखो ना, इन दोनों कार्ड के नीचे कार्ड बहुत खूबसूरत आए हैं, ग्रोथ का और एक्सपेंशन का. ये दोनों कार्ड बता रहे हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है. सो डोंट वरी, फिक्र ना करें, आपकी लाइफ में तो ग्रोथ ही आ रहा है. आप अपने आगे फ्यूचर प्लान्स पर फोकस करें. ये छोटी छोटी जो टेम्परेरी चीज़ें हैं, इनको लेकर ज़्यादा परेशान मत होइए. ये चीज़ें आपके लिए टेम्परेरी हैं और इनको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना. ठीक है, भुलाने की कोशिश करनी है आपको, भुलाने की कोशिश करनी है. ओके, मूव ऑन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी डेस्टिनी में जो आगे आपका वेट कर रहा है, बहुत जल्दी आप मिलने वाले हैं. एक फेज़ आपका कम्प्लीट हो रहा है. ठीक है, फाइनल सनसेट, और डेस्टिनी में आगे जो खूबसूरत चीज़ें पल लिखे हैं आपके लिए, वो आप देखेंगे. आपको ग्रोथ मिल रहा है, आपका सोल एक्सपेंशन भी हो रहा है, और देखो अबंडेंस का भी कार्ड था ना बॉटम. टोटल एनर्जी जो आ रही है वो अबंडेंस की है. तो हो सकता है आप में से लोगों को, आपको पीस चाहिए, यह आपकी विश है, आपको अबंडेंस चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए. ठीक है, डेस्टिनी में जो लिखा है वो आपको चाहिए. तो यस, आपको मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं, बट अपने आप को जितनी जल्दी हो वो रिकवर करो. ठीक है, सैड एनर्जी से बाहर निकालो, फिर से वैसे ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो, खुद को ब्लेसिंग्स दो. जो मैंने कहा स्टार्टिंग में, कुछ कुछ कार्ड वैसे ही आए हैं. ठीक है, तो मुझे इंट्यूटिव रीडिंग भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, मतलब विदाउट कार्ड्स भी मैं रीडिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे एनर्जी फील हो रही थी. तो इस तरीके से कोई बात नहीं गाइज, कहीं से कुछ भी आज के दिन अगर आपको रिजेक्शन मिला है ना, छोटी सी चीज का भी अगर मिला है, आप अपसेट मत होना, क्योंकि ये आपको आगे ग्रोथ पर लेकर जा रहा है, सक्सेस के रास्ते पर लेकर जा रहा है. कुछ रिजेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं लाइफ में, आगे की ग्रोथ के लिए, आगे की अबंडेंस के लिए. वो अभी नहीं दिख रही आपको, बट आप जल्दी उसको देख लेंगे आगे. ठीक है, आने वाला टाइम आपको सब कुछ दिखा देगा. चलिए अभी यहां से देखते हैं, कुछ एडिशनल हमें पता चलता है तो. देखो ये भी एक अच्छी विश पूरी हो जाएगी अगर आपको पीस मिलता है, रिलीज हो जाते हो आप अपने सारे कंसर्न से. मैजिशियन, फोर ऑफ सोर्ड्स, कुछ चीजें आपको बिल्कुल भगवान पर छोड़ देनी चाहिए. ठीक है, और अच्छे से मैनिफेस्ट करना चाहिए पॉजिटिविटी के साथ. जो लोग अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, उनको दूसरे लोग बहुत परेशान करते हैं.
ये कड़वी सच्चाई है, उनको बैठने नहीं देंगे आराम से, उनको चलने नहीं देंगे उनके पाथ पर, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। बट आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप ब्रेव हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। आप कुछ चीज़ों को देखो, विश अगर पूरी करवाना चाहते हो तो मूव ऑन सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, आप मूव ऑन कीजिए, ठीक है। और थोड़ा जो आपको चीज़ें टेंशन दे रही है, अपना सारा कंसर्न आप सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पर, और थोड़ा सा अपने सोच में आपको, जैसे कि मैंने बताया ना, पॉजिटिविटी लाइए, मतलब अपने खुद के लिए अपने आप को ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दें। ये कार्ड बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी जो आप अपने लिए खुद को सोच रहे हो कि बस मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ऐसे ना सोच के अपने आप को ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दो, और बाकी जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है उनको आप सरेंडर कर दो, और प्रॉपर बैलेंस तभी बन पाएगा लाइफ में। वरना आप डिस्टर्ब से रहोगे, काम आपके ना डिले हो जाएंगे, अभी आज के भी काम आपके डिले हुए होंगे, लेकिन आप इसको, आप फिर से ट्रैक पर आ जाओगे, बिल्कुल आ पाओगे। अगर आप देखो, सबसे पहली बात तो ना गाइज ये है, कम इंट्रैक्शन रखो, ज़्यादा लोगों से मिलो जुलो ही मत, ठीक है। कम अपना लोगों से बातचीत करो, अगर बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्पस को फॉलो कर रहे हो तो, खासकर तो इस वक्त। और जितना कम लोगों से मिलोगे उतनी कम नेगेटिविटी मिलेगी, और किसी को अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करने हैं, अच्छे से अपने लाइफ को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। तो आपका मैनिफेस्टेशन अच्छे से चलेगा और प्रॉपर बैलेंस भी बन जाएगा। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं जो कह रहे होंगे कि हम तो, ये कुछ कार्ड्स आए हैं कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। तो गाइज, अगर आपके साथ, आप सबके साथ अच्छा कर रहे हो और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो गाइज डिवाइन अच्छा करेंगे आपके साथ। आप उन, जिनके साथ आपने अच्छा करा है, आप उन लोगों से उम्मीद मत रखना कि ये भी अच्छा करेंगे, नहीं। आपने कुछ अच्छा कर्म कराया तो डिवाइन उसका फल देंगे, इंसान नहीं देगा आपको कोई भी। ओके, सो डोंट वरी, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, वो सबकी नहीं है, आपका दिल साफ है। ओ वाओ, फैमिली विशेस कम ट्रू, कोई फैमिली विश आपकी पूरी हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, तो कोई फैमिली विश पूरी हो जाएगी, या फिर कोई फैमिली विश है आपकी, ठीक है। अब आप देखिए फैमिली में कौन से विश है आपकी ऐसी, तो ये पूरी हो सकती है। ओके, फ्लावर्स, हैप्पीनेस आ रहा है आपके पास, अभी रो लो, आज रो लो, जितना रोने का मन है रो लो, उसके बाद देखना कल से आप बहुत अच्छा और फ्रेश, बहुत जल्दी, देखो आने वाले 3-4 दिन में ही ना, बहुत फ्रेश, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करने वाले हैं, ये क्लियर दिख रहा है इस कार्ड से। और आपकी कोई विश भी पूरी हो जाएगी, जो इस टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम कीजिए, बाकियों को आप छोड़ दें। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, आपकी तो सक्सेस, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्लानिंग अच्छी कर रहे हैं, तो सक्सेस तो आना ही है। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा गाइज, न्यू लाइफ, न्यू जर्नी, न्यू एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। क्लाउड्स, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं गाइज, डोंट वरी, दिस इज जस्ट टेम्प्रेरी सिचुएशंस, ठीक है। ये कोई बहुत मेजर नहीं है कि हमेशा आपकी लाइफ में रुक गया या अब बदलेगा नहीं कुछ भी, दीज आर टेम्प्ररी, ठीक है, ये टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स हैं, तो इतना मत सोचो, इतना मत घबराओ, जस्ट बिलीव करो। बिलीव किस पर करना है, सबसे पहले तो खुद पर करना है, और फिर अपने गॉड पे करना है, ठीक है। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वॉन्ट, कोई तो ऐसा है इस टाइम, कोई नेगेटिव कोई है, ठीक है, कोई पर्सन भी हो सकता है जो सच में आपके अच्छे दोस्त जो हैं उनके बीच में आने की कोशिश कर रहा है, और जो आप चाहते हैं उसके बीच में आने की कोशिश कर रहा है। अब दोनों चीज़ों से हम कैसे डील करेंगे, अगर वो आपके टारगेट के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, आपके गोल के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस इंसान को टाटा बाय बाय कह दो, बिल्कुल कह दो। लेकिन अगर आपके और आपके दोस्त के बीच में कोई आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ आपके दोस्त को भी समझना चाहिए कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, उसको भी इतना तो अवेयर होना चाहिए अपनी फ्रेंडशिप के लिए आपके साथ। तो अगर आपका फ्रेंड आपको नहीं समझ पा रहा और किसी की वजह से आपके साथ झगड़े कर रहा है, या आपके साथ आपको ब्लेम कर रहा है, या अपनी दोस्ती ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आपके फ्रेंड का भी फॉल्ट है। तो ऐसे फ्रेंड के साथ भी आपको दूरियाँ ही बनानी चाहिए, अगर आपके एक्सप्लेन करने के बाद भी उसको समझ नहीं आ रही है, तो ठीक है, ये आप कर सकते हैं।
क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये ब्लॉकेजेस दिखा रहा है आपके पर्पस के लिए। इसको ठीक करो कम जल्द से जल्द। स्वीटनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में तो चलो ठीक है, लेकिन गाइस फिर भी आपको थोड़ा बच के चलना पड़ेगा अपने बिजनेस से रिलेटेड भी। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा अच्छी हायर पोस्ट पर हैं, तो भी आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। प्रॉपर बैलेंस आपको बनाना चलेगा, बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, फीलिंग टाइट डाउन और फर्स्ट्रेटेड, ये आज की एनर्जी है ना आपकी। फर्स्ट्रेट हो रहे हो या फिर डाउन फील कर रहे हो, काफ़ी लो फील कर रहे हो, इट्स ओके। कभी कभी ऐसा फील होता है, बट जल्दी आपको हैप्पीनेस फील होगी। देख लेना कल 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 से या परसों से आपको अच्छा फील होगा। मैं ये नहीं बोल रही अभी से ही अच्छा फील हो जाएगा, बट कल परसों तक डेफिनेटली आप अच्छा फील करेंगे। ठीक है, आपकी यही विश है। और बाकी सक्सेस आ रहा है गाइस, हैप्पीनेस आ रही है। और डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वूमेन, तो हो सकता है कुछ की लाइफ में पार्टनर भी आ रहा है। ठीक है, आपकी अगर ये विश है कि आपके आपसे छोटी कोई लड़की के साथ आपका कनेक्शन बने जो आपसे कुछ साल छोटी हो, ठीक है, तो हो सकता है कि किसी यंगर के साथ आपका कनेक्शन बन जाए। ये चीज़ यहाँ पर आई है तो मैंने बता दिया। बाकी कोई फैमिली विश पूरी हो सकती है। ठीक है, सो डोंट वरी, जो हो रहा है होने दे। ज़्यादा पर्सनल लेवल पर ना लें चीज़ों को, क्योंकि टेम्प्रेरी सिचुएशन है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी एंड यू विल बी हैप्पी सून। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।